तो अभी हम लोग कोपरगांव स्टेशन पहुंच चुके हैं। ठंड ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठंड है, फिर भी है। तो अभी हम लोग ऑटो स्टैंड में जा रहे हैं ऑटो करने। ट्रेन भी देखिए खड़ा है, ट्रेन कम से कम 5 घंटा लेट है, 2 बजे उतारने के बाद है, अभी 6 बज रहा है। चलिए मिलते हैं आगे। सो यहाँ से हम लोग रूम लेने के बाद रूम का दिग में चलने वाले हैं। भकनीवास से हमने ऑनलाइन रूम बुकिंग किया था, तो ऑनलाइन बुक करने के बाद हम लोग को की दिया, की देने के बाद हम लोग चल पड़े। तो हम लोग अपना भकनीवास में पहुँच चुके, तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर है। तो अब आगे मैं दिखाता हूँ इसका रूम भी कैसा वगैरह रहता है। सो आश्रम बहुत ही साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर आश्रम है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है आश्रम का। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है। तो रूम में जाते हैं, रूम को भी आप लोगों को दिखा दें, साथ रहिए। ये दरवाजा पड़ेगा, हाँ। तो रूम में पहुंच गए हैं, अब देख सकते हैं बहुत ही क्लियर एरिया है, बहुत ही क्लियर। वाह, रूम बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ सुथरा है रूम में। पर बत्ती जला दे, तो रूम देख सकते हैं आप लोग जाते हैं। बाथरूम भी है, अंग्रेज बाथरूम दे दिया हमको, तो अंग्रेज बाथरूम नहीं चाहिए हमको, बंगला बाथरूम चाहिए। उतरने के बाद, स्टेशन में उतरने के बाद हम लोग उधर से ऑटो या फिर मैजिक कार पकड़े, 100 रुपये करके रेंट है, वो हम लोग को भक्त निवास तक छोड़ दिया, साई आश्रम तक छोड़ दिया। तो आप लोग ऐसे भी कोपरगांव उतर के आ सकते हैं, देख सकते हैं 3 बेड दिया गया है एक रूम में। ये बाहर का एंट्रेंस है, ओके। छोटा सा रूम है पर गर्म है। साईं बाबा जी का पिक्चर है इधर पर, यहाँ पर आपका 2 बाथरूम दिया है, एक यहाँ पर और एक ये बाथरूम दिया, और एक बेसिन इधर पर दिया गया है। तो साथ रहिए, पूरा ब्लॉक में मैं दिखाऊंगा आप लोग को। अभी फिलहाल सोने जा रहे हैं, टाइम हो रहा है सुबह को 7:14, क्योंकि आते आते बहुत लेट हो गया था हम लोग को, ट्रेन 5 घंटा लेट कर दिया। तो अभी हम लोग पूजा देने निकल चुके हैं मंदिर, ये दोनों को ही है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। बल्ले बल्ले साबा साबा ना 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 बम बम बम